के बारे में बात कर रही हूँ। ये कैलेंडुला की सीड्स हैं, इस पर बहुत सारा कीड़ा लग गया। मैं इसको 2-3 दिन से इसको बेचारे को दवाई दे रही हूँ। ये देखिए, ये पूरे तरीके से सूख गया है। इस तरीके से हम इसे तोड़ लेंगे। ये इसके सीड्स हैं। ये है, अभी मैं इसे थोड़े से भी तोड़ लेती हूँ। थोड़ा सा ही गिर गया। तो ये है कैलेंडुला के सीड्स। अभी आप इनको छोड़ दीजिए। देखिए ये हैं, ये पक जाएंगे तो ये पूरे तरीके से सूख जाएंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ कीड़े से हैं इसके, मुझे तो ये ऐसे ही लगते हैं। तो ये कैलेंडुला के सीड्स हैं, ऊपर भी जो नीचे भी हैं वो भी, ये सभी बन रहे हैं। अब देखिए फूल का साइज़, मैंने इस बीज बनने के लिए छोड़ दिया तो फूल का साइज़ कितना छोटा हो गया। तो ये है, जब हम बीज पौधे पर बीज बनाते हैं तो वो फिर अपने फूलों का जो उसकी प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, वो फूल देने कम कर देता है, सिर्फ अपनी पूरी शक्ति बीज बनाने में लगाता है। तो इस तरीके से हमें, अगर हमें फूल चाहिए तो हम इनको कट कर देंगे। मैं पहले शुरुआत में इनको कट कर देती थी, फिर मुझे लगा कि टाइम ओवर हो रहा है। तो ये समय है अप्रैल में, आप इनके बीजों को संभाल के रखें। ये भी झड़ जाते हैं, अगर हवा चलती है तो झड़ जाते हैं। ये हैं कैलेंडुला की सीड्स जो मैंने पहले रख लिए थे जिनके, और पूरी तरीके से सूख गए हैं। ये देखिए, ये इसके सीड्स हैं। तो आप, अगर कैलेंडुला लग रहा है तो आप भी उसके बीज अगर बन रहे हैं तो चुन के रख लीजिए अप्रैल। देखिए ये हैं पोपी फ्लावर के सीड्स, कितने महीन हैं, कितने हल्के हैं, पता ही नहीं चलता कब झड़ जाते हैं। अगर ये प्लांट आपके ज़मीन में लगा हुआ है तो इसके बीज झड़ ही जाते हैं, वो मिलते ही नहीं हैं। उसका कारण क्या है? का कारण है ये, जब फूल पत्तियां झड़ जाती हैं तो ये एक लंबी सी स्टिक हमारे पौधे पर रह जाती है। अब इसमें आप ये देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ छोटे छोटे होल हैं, तो इसमें से अगर मान लीजिए डंडी ऐसे हो गई तो ये झड़ जाता है। अब देखिए, मैं इसको कुछ, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, ये खाली है। कई बार क्या होता है, हम इसे तोड़ के रख लेते हैं, इसमें पता चला कि इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसलिए आप एक पूरे तरीके से इसको पकने से पहले ही ध्यान से कोई बर्तन या कागज़ या पेपर कुछ ले लीजिए, और इसमें जो है आप सीड्स अपने कलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं निकला। तो ये इसी तरीके से हो जाते हैं, इसीलिए आप पोपी फ्लावर के सीड्स चुने। तो जो तरीका बताया है मैंने, इस तरीके से चुने तो आपको सीड्स मिल जाएंगे, नहीं तो ये सब बर्बाद हो जाएंगे, वहीं फैल जाएंगे। ऐसे अगर ये क्यारी में अगर लगा होता है तो ये अपना अपने सीजन पर उगाते हैं। और पोपी फ्लावर के लिए अभी आप इस समय उसकी टेट हेडिंग करते रहें, क्योंकि इस पे हर जो पौधा फूल आता है उसकी हर डंडी पे सीड्स बनता ही है, तो हमें इतने सीड्स नहीं चाहिए, इसलिए हम उसकी, ये देखिए ये स्टिक है और ये इस तरीके से सीड्स बनता है। ये यहाँ से ये खुल जाता है, ये यहाँ से निकलने लगते हैं। तो इतने सारे सीड्स तो चाहिए नहीं, तो इसको अगर आपको फूल चाहिए, अभी ये फूल लंबे समय तक देता रहेगा, तो मैं इनको डंडियों को कट कर देती हूँ। तो कट करने से ये हमें लाभ मिलता है। देखिए यहाँ से ये नई स्टार्ट हो रही है, मैं यहाँ से बन रहा है, नई सूच निकल रही है। इस तरीके से इस डंडियों को तोड़ देती हूँ, मैं हटा देती हूँ, इतने सीड्स तो मुझे चाहिए नहीं। तो ये सारे से फूल पोपी के हमें मिलते रहते हैं। इस तरीके से आप इसकी, लगभग मैंने सभी काट दिए हैं, जो बहुत सारे हो जाते हैं मैं उनको काट देती हूँ। कैलेंडुला एक आसानी से उगने वाला पौधा है, इसे आप अगस्त और सितंबर के महीने में ग्रो करें, ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। बहुत अच्छी तादाद में इसमें फूल आते हैं। ये एक प्लांट जो है कुछ दवाई और ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ होता है। अगर सितंबर अक्टूबर तक लगा सकते हैं, ये अप्रैल के लास्ट तक आपको फूल देता रहेगा। ये भी जी टू ग्रो है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बहुत तादाद में इसमें फूल आते हैं और बहुत आसानी से चलता है। जानकारी
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी को मेरा एक बार फिर नमस्कार।